हेलो फ्रेंड्स, आज हम निमोना बनाएंगे यूपी स्टाइल में। तो ये हरा मटर ले लिया है मैंने और आलू दो कटे हुए हैं, हरी धनिया, लहसुन का पत्ता ये हरा है और ये हरी मिर्च है चार और एक इंच अदरक का टुकड़ा है और ये लहसुन की कलियां हैं। और इसके अलावा ये मसाले हैं, गरम मसाला, हल्दी, नमक और ये बरी। तो चलिए बनाते हैं। हेलो गाइस, देखिए कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। थोड़ा तेल गरम हो जाएगा तब इसमें पचफोरन डालेंगे। ये पांच चीजों से मिलकर बना होता है, मेथी, जीरा, सौंफ, राई। देखिए तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी। ये चटकने लगा है पचफोरन, तो इसमें बरी डालेंगे। निमोना बने और बरी ना पड़े तो मजा ही नहीं आता। बरी से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद बरी जो ब्राउन हो गई है हमारी, तो आलू डाल देंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आलू को भूनेंगे। निमोना लोहे की कढ़ाई में ही बहुत अच्छी बनता है। निमोना लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा बनता है, इसलिए लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। देखिए आलू हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें मटर डालेंगे जो मैंने पीस कर रख लिया था। मटर को थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे जिससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इसको भी भूनेंगे, जब तेल छोड़ने लगेगा तब तक इसको भूनेंगे। देखिए हमारा मटर भी भून चुका है करीब करीब, थोड़ा और भूनेंगे जिससे ये तेल छोड़ने लगे। और हाँ, थोड़ी सावधानी से इसे भूनें जिससे जलने ना पाए। सर्दियों में ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, थोड़ी मुलायम हरी ताजी मटर हो उसकी सब्जी खास तौर से बहुत ही अच्छी बनती है। और जाड़ों में यूपी और बिहार में बहुत बनाते हैं लोग सब्जी, बहुत टेस्टी होती है। देखिए मटर तेल छोड़ने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक और इसे मिलाएंगे। मसालों को थोड़ा मिलाकर भून लेंगे जिससे मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। अब देखिए जो मैंने चटनी पीस कर रखी थी अब इसे डालेंगे। और इसको भी थोड़ा भूनेंगे।
आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। देखिए मटर भी हमारा भून चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे चलाते हुए मिलाएंगे। ये पानी मैंने पहले से गरम करके रखा हुआ था, गरम ही पानी डालेंगे। आप ठंडा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं गरम ही डालती हूँ जिससे इसका टेस्ट बना रहे। देखिए 2 कप पानी डाल दिया है। थोड़ा पानी और डालते हैं, 3 कप पानी मैंने डाल दिया है। आप अपने अनुसार डालें कम या ज्यादा। और अब इसे ढक देंगे, 10 मिनट बाद देखते हैं। पूरे 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं सब्जी को खोल कर देखती हूँ कि सब्जी हुई कि नहीं है। अभी इसको चला लेंगे और आलू को काट कर देखेंगे। देखिए आलू कट रहा है, इसका मतलब सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी सब्जी बनी होगी। हमारा निमोना सर्व करने के लिए तैयार है।